नमस्कार, आज मैं आपको सूजी और खोए के स्वादिष्ट लड्डू बनाना बताती हूँ। उसके लिए मुझे क्या क्या सामग्री चाहिए वो आप एक बार नोट कर लीजिए। चिरौंजी, थोड़ी सी कटा हुआ पिस्ता, कसी हुई गरी, कटा हुआ बादाम, कटा हुआ काजू, थोड़ी सी किशमिश, एक कटोरी सूजी, दो कटोरी खोया, एक कटोरी बूरा, थोड़ी सी गोंद, 5-6 इलायची। अब मैं आपको बनाना बताती हूँ। गैस कढ़ाई चढ़ा लीजिए, उसमें थोड़ा सा देसी घी डाल दीजिए। घी गर्म हो जाए ये हमारा गर्म हो गया है। अब हम गोंद को भून लेते हैं। गोंद हमारी भुन गई है, हम इसको एक कटोरी में निकाल देते हैं। आप सूजी ले लीजिए, सूजी को भून लीजिए। सूजी को ज्यादा नहीं भूनना है, इसको सफेद ही रहना है, ज्यादा लाल नहीं करना। धीमी आंच में इसको भूनिए। अब सूजी हमारी भून गई है, इसको आप एक बाउल में निकाल दीजिए। अब आप खोए को थोड़ा सा धीमे आंच में भून लीजिए। हमने तो खोया बाजार का लिया है, अगर आपका घर का है तो उसको भूनने की भी आवश्यकता नहीं है। इसको ज्यादा लाल नहीं करना है, हल्का सा ही थोड़ा सा भूनना है। खोया हमने भून लिया है, अब इसको जिसमें सूजी पलटी थी उसी बाउल में डाल लेना। गोंद को थोड़ा हाथ से ही इसको मैश कर दीजिए। अब आप इसमें गोंद डाल दीजिए। किशमिश डाल दीजिए, कटा हुआ काजू डाल दीजिए, चिरौंजी को थोड़ा सा डाल दीजिए, पिस्ता डाल दीजिए, कटा हुआ बादाम डाल दीजिए, कसी हुई गरी, इलायची को मैंने कूट लिया है, इलायची डाल दीजिए। अब आप इसमें बूरा डाल दीजिए। अब आप इसको अच्छे से मैश कर लीजिए। लड्डू बना के दिखाती हूँ।
अब हमारे स्वादिष्ट खोए और सूजी के लड्डू तैयार हैं। अब आप बच्चों को खिलाइए, खुद खाइए और आने वाले मेहमानों को खिलाइए।